प्रिय छात्रः सर्वेभ्य नमो नमः। सनराइज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और रोज़ाना भेजे जा रहे होमवर्क को ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रुचिरा पाठ्यपुस्तक 8th क्लास संस्कृत विषय के 9 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 10वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम। नीति कहते हैं बच्चों ज्ञान को, नॉलेज को, और नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन कैसे बनता है? दूध को जमा करके, उसको मत करके, और फिर उसमें से जो मक्खन निकाला जाता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। उसी तरह से इस शीर्षक के अंतर्गत जो श्लोक लिए गए हैं, इस पाठ के अंदर जो श्लोक लिए गए हैं, वो हमें कैसा ज्ञान देने वाले हैं? शुद्ध ज्ञान देने वाले हैं, पवित्र ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए इसका शीर्षक नीति नवनीतम रखा गया। और ये पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। इसके अंदर जो श्लोक लिए गए हैं बच्चों, वो मनु महाराज द्वारा रचित मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिए गए हैं, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। माता पिता को कैसे प्रसन्न रखें? जैसा कि कहा गया है, मैंने उसको नहीं देखा, मुझे उसकी ज़रूरत क्या होगी? मैंने उसको नहीं देखा, मुझे उसकी ज़रूरत क्या होगी? मेरे माँ बाप की सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी? और दूसरा, गुरु के विषय में कबीर जी लिख गए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए मिलाए। तो इस तरह से गुरु और माँ बाप जो हैं, वो हमेशा हमेशा हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर बताया गया है कि मनुष्य को सुख दुख के अंदर समान रहना चाहिए, एक जैसा बना रहना चाहिए, ना ज़्यादा सुख में सुखी होना चाहिए और दुख के अंदर दुखी नहीं होना चाहिए। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, खुश हो, हमें वो काम करने चाहिए। इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सम्यक विचार उपरांत, अच्छे विचारों के बाद हमें सत्य मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, सच बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो शिष्टाचार के विरुद्ध हो। तो इस तरह का आचरण रखते हुए मनुष्य जो है वो समाज के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। तो हमारा जो पहला श्लोक है बच्चों, उसमें क्या बताया गया है? उसमें ये बताया गया है, आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन कहते हैं बच्चों नमस्कार करना, शीलस्य स्वभाव वाले का, नित्यम रोजाना, वृद्ध उपसेविनः, वृद्ध बुजुर्गों की, बूढ़ों की उपसेविनः, सेवा करने वाला, चत्वारि चार चीज़ें, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं आयु विद्या यश और बल। दूसरों को नमस्कार करने वाले की और रोजाना बुजुर्गों की सेवा करने वाले की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की, चार चीज़ें बढ़ती हैं आयु विद्या यश और बल। उसकी उम्र बढ़ती है, वो पढ़ाई को प्राप्त करता है, विद्या को प्राप्त करता है, विद्या ज्ञान की बढ़ोतरी करता है, उसको यश मिलता है संसार में, उसकी कीर्ति फैलती है और वो बलशाली बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? बड़ों को नमस्कार करने से और बुजुर्गों की सेवा करने से। तो हमें ये दोनों बातें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। अगले श्लोक के अंदर बच्चों क्या बताया गया है? माँ बाप के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए जो ये हमारा श्लोक है ये लिखा गया, और इसमें लिखा, यम माता पित्रों क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्यः कर्तुम वर्ष शतैरपि। क्या लिखते हैं लेखक? यम माता पित्रों, यम का अर्थ है बच्चों जो, माता पित्रों माता जी और पिता, क्लेशम सहेते क्लेश कष्ट को सहन करते हैं, दुख को सहन करते हैं, सहेते का अर्थ सहन करना, संभवे पैदा करने में, जन्म देने में, निर्णाम मनुष्य को, न तस्य निष्कृति
न तस्य निष्कृति, उसका निस्तार नहीं किया जा सकता, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, वर्ष शतैरपि सैकड़ों वर्षों में भी शक्या समर्थ हो सकते हैं कौन, संतान। यम माता पितरों क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम, माँ बाप संतान को पैदा करने में, बच्चे को जन्म देने में जिस कष्ट का अनुभव करते हैं, जिस दुख को सहन करते हैं, उसकी निष्कृति, उसका निस्तार, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में चुकाने में भी औलाद समर्थ नहीं होती, संतान समर्थ नहीं होती है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अब अगला जो हमारा श्लोक है बच्चों, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी किसके विषय में है, माँ बाप और गुरु के विषय में ही है। तो क्या कहा गया है इसके अंदर, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। तयो उन दोनों का, किनका, माता और पिता का, नित्यम रोजाना, प्रियम कुर्यात् भला करना चाहिए, उन दोनों का रोजाना भला करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, और अपने गुरु का कल्याण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भला करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु, उन तीनों के ही, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, तपः सर्वं, सारा तप समाप्यते, समाप्त हो जाता है। कहते हैं उन दोनों को का प्रिय करना चाहिए और गुरु का प्रिय करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, खुश होने पर, किन तीनों के, माता पिता और गुरु के प्रसन्न होने पर, सर्वं तपः समाप्यते, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। फिर हमें कहीं मंदिरों के अंदर जाकर के, वनों के अंदर जाकर के तपस्या की आवश्यकता नहीं है, हमें हरिद्वार जाकर के कावड़ लाने की आवश्यकता नहीं है, हमें व्रत करके बड़े बड़े टीके लगाने की आवश्यकता फिर नहीं है। यदि हमने अपने गुरु को सम्मान दिया और अपने माँ बाप को सम्मान दिया तो हमारे सारे तप जो हैं यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अगला जो श्लोक है बच्चों, उसके अंदर क्या दिखाया गया है, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि बहुत से मनुष्य संसार में ऐसे होते हैं जो परतंत्रता में जन्म लेते हैं और परतंत्रता में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरों के अधीन रहकर जीते हैं, ऐसे लोगों के बारे में दिखाया गया है। तो लेखक कहते हैं कि परतंत्र रहना मृत्यु के समान है, मरने के समान है। आदमी की विचारधारा स्वतंत्र होनी चाहिए, उसका रहन सहन, उसका जीवन जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, तभी वह सही जीवन जी सकता है। और ये क्या, तभी वो सुखी और दुखी, सुखी रह सकता है, ये वरना वो कैसा रहता है, दुखी रहता है। तो कहते हैं सर्वम परवशम दुखम, परवशम दूसरों के वश में रहना, सर्वम सब कुछ, दुखम दुख है, दूसरों के वश में रहना सब कुछ दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम अपने वश में रहना, सर्वम सब कुछ सुख है, दूसरों के वश में रहना सब कुछ दुख है, अपने वश में रहना सब कुछ सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, समासेन का अर्थ बच्चों संक्षेप में, एतत् यह विद्यात् समझना चाहिए, संक्षेप में यही समझना चाहिए, लक्षणम परिभाषा सुख दुखयो, सुख और दुख की, संक्षेप में यही सुख और दुख की परिभाषा समझनी चाहिए कि यदि हम स्वाधीन हैं तो हम सुखी हैं और यदि हम पराधीन हैं तो हम दुखी हैं, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा कष्ट और हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। अगला जो हमारा श्लोक है बच्चों वो क्या है, उसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को कोई भी काम जो है वो मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। क्या कहते हैं, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मने तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म, जिस काम को करते हुए, कुर्वतो करते हुए, अस्य यहाँ, यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस काम को करते हुए यहाँ, स्यात् होए परितोष, प्रसन्न, संतुष्ट, अंतरात्मना हमारा हृदय, हमारा मन, तत् उसे, प्रयत्नेन कुर्वीत प्रयत्न पूर्वक, कोशिश से करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीतम दूसरे को, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस काम को करते हुए हमारी अंतरात्मा, हमारा हृदय, हमारा मन प्रसन्न हो, खुश हो, उसे
प्रयत्न से करना चाहिए, कोशिश से करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और दूसरे को छोड़ देना चाहिए, अर्थात जिस काम के अंदर हमारा मन नहीं लगता है, जिस काम को करने को हमारा मन नहीं करता है, उसे नहीं करना चाहिए। अगला जो श्लोक है बच्चों, वो हमारे इसका लास्ट श्लोक है लेसन का, और इसके अंदर क्या दिखाया गया, ये दिखाया गया है कि मनुष्य को देखकर अच्छे से भली प्रकार देखकर पैर रखना चाहिए, साफ करके पानी को पीना चाहिए, और जैसे हम साफ पानी पीते हैं, भली प्रकार देखकर पैर रखते हैं, वैसे ही हमें जो हम वाणी बोलते हैं, हम जो बात करते हैं, उस वो भी सच्चाई से युक्त होनी चाहिए, और हमारा मन कैसा होना चाहिए, वो भी पवित्र होना चाहिए, पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे मन में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। सदृष्टिपूतम, दृष्टि आँखों से, पूतम पवित्र करके, नैसेत रखना चाहिए, पादम पैर, आँखों से भली प्रकार देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र कपड़े में से, पूतम पवित्र करके अर्थात छान करके, जलम पानी को पिबेत पीना चाहिए, कपड़े से छान कर पानी को पीना चाहिए, कपड़े से पवित्र करके पानी को पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र, वदेत बोलनी चाहिए, वाचम वाणी, अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र समाचरेत आचरण करना चाहिए। ये ना हो कि हमारे मन में कुछ हो और हमारे व्यवहार में कुछ हो, हमें मन से, वचन से और कर्म से एक जैसा होना चाहिए। ये इस श्लोक के अंदर दिखाया गया है कि आँखों से भली प्रकार देख कर पैर रखें, कपड़े से भली प्रकार छान कर पानी पिए, सत्य से युक्त वाणी बोलें, और मन पवित्र मन से युक्त आचरण करें। तो बेटा, ये आज का आपका जो हमारा अध्याय है, दशम अध्याय, जिसका शीर्षक नीति नवनीतम है, वास्तव में ही बच्चों ये नवनीत से भरा हुआ है, श्रेष्ठता से भरा हुआ है, शुद्धता से भरा है, पवित्रता से भरा है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करेंगे। आज के लिए आपका यही होमवर्क है। इटियालम, थैंक यू।